अब सबसे आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल बात करने आया हूँ। बात है अपने आने वाले सॉन्ग की, सॉन्ग जिसका नाम है गलत फहमियाँ। अच्छा, आप में से किसी को बताना नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है? सॉन्ग का नाम बिल्कुल सही जवाब है, इसका कोई नाम नहीं है, सबने साथ में बोला है। तो सबको इनाम ये है कि मैं आज इस शो के एंड में आप सबको गलत फहमियाँ गा के सुनाऊंगा। कल अपना सॉन्ग पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रहा है, पर आज इस शो के एंड में मैं आप सबको गलत फहमियाँ, स्पेशली आप सबको जो यहाँ पर आज इस इवेंट के लिए आए हैं, लेने आए हैं, हम सब के लिए आए हैं, उनको फर्स्ट सॉन्ग सुनाऊंगा। तब तक आपसे थोड़ा इंट्रैक्शन होगा, आप आते आते करेंगे, थोड़े गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, एक गाना सुनाएंगे जिसका नाम है कप केक। गानों का नाम है फिर मुझे दिल से पुकार के कह दे मेरा है तू पार तू, भाई फोटोज बाद में क्लिक तेरे जैसा मैं पंचा सारी चीजें होंगी, पर उसके लिए सबको एकदम प्यार से वेट करना पड़ेगा, मुझसे बातें करनी पड़ेंगी। आप तो मुझसे बातें करोगे क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबसे बातें करना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आधा पौन घंटा हूँ, आराम से अपन खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी सेल्फीज खींचेंगे, तो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, लेकिन बाद में सेल्फीज खींचेंगे हम साथ में, मैं तो बैठूंगा। इनफैक्ट मैं एक तो अभी के अभी खींचूंगा, एक बार मैं फोन प्लीज देना, सबके साथ में एक सेल्फी बनाने चाहिए। तो मैंने अपनी सारी जो एनर्जी है, जो पागलपन क्रेजी है, वो आ नहीं रहा है, तो एक वीडियो बनाए। वीडियो आगे आ जाओ, इसी पे जा रहा है, इसी से तो अभी मैं और मेरा पूरा का पूरा जयपुर, पूरा का पूरा जयपुर लाइव है अपने फेसबुक पेज पे। तो अगर आपने फेसबुक अपना लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज फेसबुक लाइक करो, आपको दिखेगा अपना लाइव चैट अभी की अभी। आप सब टीवी पर हो, तो अपनी टीवी है, मोहित की टीवी है, मोहित की फैमिली की टीवी है। तो आप सब जो भी लोग अभी हमें यहाँ पर देख रहे हैं, अराउंड 450,000 अपने फैमिली मेंबर्स है फेसबुक पे, तो 450,000 सारे लोग आए, होप आप सबको देख रहे होंगे। तो हम सब आपसे कहना चाहते हैं, हम सब जयपुर वाले कहना चाहते हैं कि वी लव यू एंड दिस सॉन्ग इज फॉर यू एंड फॉर यू। द सॉन्ग इज कॉल्ड कपकेक। सब साथ में गाएंगे, ठीक है रवि? तेरे पास मैं बुला रहा, कैसी जिंदगी में कैसा क्रेक है, कहीं कुछ भी तू मेरा कपकेक है, मुझे तो बोले जिसको सोच के तेरे पास
रिलायंस डिजिटल वाले जो दोस्त है ना उनके भी हाथ ऊपर कर सकते हो आप भी हमारी ऑडियंस का इस फैमिली का पार्ट हो ये सब साथ में वो पीछे वाली भी उल्टा सा सीधा हर हिसाब है जिंदगी जिंदगी का सार है जब के देख ले कैसा है जब से तू आई है मेरे साथ में उल्टा सा सीधा हर हिसाब है यह क्या होता है मतलब दिल और दिल कैसे धड़कता है ऊपर खड़े हो जाओ ऐसे सिर्फ तब तक धड़कता है जब तक पीछे होके प्यार ना हो प्यार होने के बाद तेरी धड़कनों की धड़कने भी मसाज तो हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास तो तेरी धड़कनों की धड़कनों में दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है मेरा प्यार बुला रखा है और कहती जिंदगी में अप्रेत है कह ले कुछ भी कह लो कुछ भी तुम सब मेरे गप्पे को यू ऑल आर अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई फैमिली थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी हमेशा कभी जयपुर आ नहीं पाया कभी आप सबसे अच्छे से बात नहीं कर पाया आज मौका मिला है आज मौका है ओकेजन है अपना सामने जो दिख रहे हैं ये मैं हूँ ये पीले से पोस्टर बड़ा सा मुंह है ना जिसका एक दाढ़ी वाड़ी है सैड ऐसे एक्सप्रेशन में ये सड़ा हुआ मुंह मेरा है ये सड़ा हुआ नहीं है तो ये जो भी है ना ये बंदा मैं हूं तो अपना जो सॉन्ग है आपने आपके मोहित को आपने आपके मोहित को हैप्पी सॉन्ग हाय आपका नाम नाम बता दो इतनी जैसे अपन हाय करें आपका नाम क्या है कीर्ति के लिए एक बार जोरदार तालियों जैसे उनके दोस्त आपका दोस्त के मेरा नाम क्या है गौरव गौरव और कीर्ति के लिए एक बार जोरदार तालियों गौरव ये टावर सबके ही है कोई ना ये टावर अभी अपना है ये सब अपना है अभी एरिया अपना है अपन का है भाई थैंक यू गौरव कीर्ति एंड तो ओकेजन है लॉन्च का सॉन्ग का नाम है गलत फहमी अच्छा यहाँ पे ब्यूटीफुल सा मग भी है जिस पर मेरा फर चेंज सड़ा हुआ चेहरा नहीं है हंसता हुआ नूरानी चेहरा है कोलगेट का ऐड कर रहा हूं मैंने कोलगेट देसी है देसी देसी टू बताओ कोई पतंजलि 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 का टूथपेस्ट लगाकर मैं यहाँ पे स्माइल दिया तो ये मार्क मैं आप में से किसी को दूंगा इस पर साइन करके दूंगा ताकि आपको याद रखे मोड़ के दूंगा तो आप सब को यार मतलब क्या कहूंगा तो एक चीज जो मुझे कहनी है कल अपना सॉन्ग लॉन्च होने वाला है अच्छा सॉन्ग का वापस से नाम क्या वापस से रिपीट करो वो पीछे वाले तुम क्या तुम मेरे 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 हो यार तुम या तो वहां खड़े नहीं हो पास आ जाओ वो दूर रहता ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से मेरी बात नहीं सुन रहे हो नफरत कर ली मेरे से ऐसे नहीं हाँ हाय कर रहे हो उधर आओ मैं भाई अभी तुम इधर आओ तुम इधर आओ तुम सब इधर आओ हाँ तो आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज आराम से हाँ प्लीज आप सबसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा थोड़ी जो अपनी सिक्योरिटी उनको प्रॉब्लम हो जाएगी तो हैंडल कर लेंगे और मैं चाहता हूँ यार से मैं मतलब आराम से आप सबके साथ में टाइम स्पेंड करूँ एकदम आराम से प्लीज आराम से है ना आराम से टाइम स्पेंड करो अपन बातें करें अपन गाने गाएं एक जो चीज है गलत फहमी है आज पूरी दुनिया से पहले आप सबको सुनाना ही है तो उसका भी वेट है मेरे को नाइनटी वाला डायलॉग अरे इश्क अनप्लग किस किस ने देखा है यहाँ पे इश्क अनप्लग मतलब एक ऐसा शो था
जिसमें जो ये बंदा है ना तुम्हारा गाने वाला हमारे तुमने ही देखा तुम क्या बात है उसमें मैं एक्टिंग में जरा अपना कैरेक्टर दे कर अपना मांगी और मांगी है ना दो चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं होता एक कोई धमकी दो कोई अबे नीचे उतर तो मुंह तोड़ दे ओ क्या बोला इसने मुंह तोड़ दे और मांगी है ना मांगी है नहीं अपना भाई है यार एक्चुअली इसको डायलॉग के लिए बोला सॉरी प्लीज वहां भी अपना भाई है तो अरे मांगी करा बड़े मांडी को दो चीजें दो ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है एक पालतू की भंगिया और दूसरा लड़की के साथ सेल्फिया तीन के बाद चीजें बन गई अरे ये तो आ जाओ अपन सब सब करेंगे सेल्फीज भी खींचनी है मुझे भी खींचनी है आप सबसे बातें भी करनी है तो हाँ जिस सॉन्ग अपना रिलीज हो रहा है बार बार तो उसे नाम अभी नहीं बुलाऊंगा गाना गाना है सॉन्ग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मतलब वो क्या है स्पॉइलर्स कहते हैं उसको और हिंदी में कहते हैं कि थोड़ी सीक्रेट बातें अरे मेरे वो वहां पे मेरे सोना आंटी और राजेश अंकल जी हैं जो मेरे कहने को तो अंकल आंटी है लेकिन वो मेरे मॉम डैड जैसे हैं उन्होंने बहुत बहुत प्यार किया है मुझे बहुत मतलब संभाला है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां राजा अंकल जी सोना आंटी आई लव यू तो आप सबके लिए एक विशेष सूचना रिलायंस ट्रेंड वालों रिलायंस डिजिटल वालों सारे गलत करने और मोहित वालों नहीं तुमने मोहित वाले आज के लिए तो सारे मोहित वालों के लिए और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ गलत फहमी जो अपना सॉन्ग है पहले तुम बोलो तुमको सुनना है क्या उस सॉन्ग के बारे में नहीं थोड़ा और शोर चाहिए मुझे यहाँ वाले ने कर दिया वहां वाले नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा आवाजों की ना एक बहुत एक कमी होती है आवाज जैसी चीज जो होती है आवाज यार दिखती नहीं है पता नहीं क्यों नहीं दिखती आवाज तो मैं चाहता हूँ एक बार दिखाकर आवाज करो दिखाकर आवाज करिए तो अब मेरे को लगता है कि बता देना चाहिए तो सॉन्ग का नाम है गलतफहमिया सॉन्ग फिर मुझे दिल से पुकार तू जो अपना सॉन्ग था उसका सेकंड पार्ट है सीक्वल है अच्छा फिर मुझे दिल से पुकार तू जो सॉन्ग है उसमें अपन ने बिल्कुल है तो फिर मुझे दिल से पुकार तू जो सॉन्ग है उसमें एक लव स्टोरी दिखाई गई जैसे आप सबको अगर याद होगा तो कैसे एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ गलत फहमिया में बिल्कुल इन्होंने सही गौरव ने एकदम सही अंदाजा लगाया कि ब्रेकअप और उससे लड़ाई कुछ कि कैसे एक रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है जो हम जैसे अच्छा गौरव की हुई है यहाँ किस किस की हुई है कभी गलत फहमिया मतलब रिलेशनशिप में मेरे हाथ दिख रहे काफी सारे तो उठाए नहीं पता नहीं मम्मी वाला साइड में खड़ी है कौन उठाया हाथ नहीं उठाऊंगा मैं अरे मम्मी नहीं है कहीं होती तो अच्छा कितने भी गलत फहमिया हुई है मतलब रिलेशनशिप में मतलब ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि सबके एक और वीडियो जाएगा क्या बात है हाँ जी छोरे को कौन बुला रहा है कौन है छोरा सारी छोरे हैं हमें तो गलत फहमी किस किस की हाथ नीचे मत करो शर्म के मारे मेरी छुट्टी भी नहीं है गलत फहमिया होने का मतलब ये नहीं कि अपना ब्रेकअप हुआ इसका मतलब ये कि अपन ने मेरे सच्चे दिल से प्यार किया था एक बार सच्चे दिल से प्यार के लिए जोरदार तालियां तो इस सच्चे दिल का प्यार जब टूटता है उसमें किस तरह की फीलिंग्स होती है ये सारा अपने सॉन्ग में बताया गया है इस सॉन्ग लॉन्च हो रहा है कल RFF में RFF मतलब